महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व गणेश उत्सव माना जाता है। 11वें दिन गणपति बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में बप्पा के भक्तों की सेवा के लिए मुंबई की कई सारी संस्थाएं समर्पित रही हैं। इन्हीं कई संस्थाओं में सनातन सेवा संस्थान एक ऐसी संस्था है जो हर साल गणपति बप्पा के विसर्जन के दिन भक्तों को मुफ्त में वड़ा पाव और पानी वितरण करता है। हर साल बड़ी तादाद में भक्त इसका लाभ लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बप्पा के भक्तों के लिए वड़ा पाव पानी वितरण कार्यक्रम का आयोजन कांदिवली के लोखंडवाला में किया गया, जहां करीब 15,000 भक्तों ने इस वड़ा पाव और पानी वितरण का लाभ लिया। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये कतार वड़ा पाव यानी कि बप्पा के प्रसाद के रूप में वितरण किया जा रहा वड़ा पाव है, जिसके लिए लोग कतार में खड़े होकर वड़ा पाव का लुत्फ उठा रहे हैं। बात करें पदाधिकारियों की तो इंद्रजीत उपाध्याय ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के पदाधिकारी शेषमणि तिवारी, श्याम दुबे, दिलीप उपाध्याय, कांति मोहन मिश्रा, अजय गुप्ता, रवि विश्वकर्मा, रमेश कलंबे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। सनातन सेवा संस्थान द्वारा अनंत चतुर्थी 2023 के वड़ा पाव वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे लोखंडवाला कांदिवली में चल रहा है। हमारे यहाँ के सनातन सेवा संस्थान के सभी सहयोगी भाई सेवामणि, हमारे बड़े भाई सेवामणि तिवारी जी, श्याम दुबे जी, दिलीप उपाध्याय जी और हमारे कांति मोहन मिश्रा जी, अजय गुप्ता जी, राम सोनी जी, इनको इनके सब सहयोग से मिलजुल करके और मनीष रमेश कलंबे जी, रवि विश्वकर्मा जी, इन लोगों के द्वारा ही हम यहाँ मिल करके इतनी बड़ी व्यवस्था और वड़ा पाव का कार्यक्रम कर पाते हैं। और गणपति बप्पा। सनातन सेवा संस्थान का ये जो कार्यक्रम है वड़ा पाव वितरण का, गए साल भी हमने किया था और इस साल भी कर रहे हैं। लगभग 11 से 12,000 लोग वड़ा पाव का लाभ लेते हैं, पानी का लाभ लेते हैं। सनातन सेवा संस्थान इस कार्य को बड़े ही बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती है और कोशिश यही रहता है हमारा कि जितने भी लाभार्थी हों या जितने भी हमारे बप्पा के पुजारी हों या उन्हें ये वड़ा पाव का लाभ मिले और पानी का लाभ मिले। जय श्री राम। गणपति बप्पा। मोर्स भी सनातन सेवा संस्थान लोखंडवाला कांदिवली में प्रसाद स्वरूप वड़ा पाव वितरण का आयोजन किया है और यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है, भक्तों का जन सैलाब उतरा है, वो देखकर मन विभोर हो रहा है। आज हमारा जैसे कि सनातन सेवा संस्थान है, हमारे सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है और यहाँ पर भक्तगण नम्र आँखों से अपने बप्पा की विदाई करने के लिए सड़कों पर उमड़ उठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी है। शाम 6 बजे से ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया था और अनुमान है कि ये प्रसाद अभी तक 8 से 10 हज़ार लोगों ने ग्रहण कर चुके हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही उम्मीद है कि सभी हमारे सहयोगकर्ता, दानकर्ता और हमारे कार्यकर्ता इसी तरीके से अपना प्रेम विश्वास बनाए रखें और हम हर वर्ष इसी तरह बढ़ चढ़कर इससे भी और कार्यक्रम का आयोजन करें। मैं बात है सनातन सेवा संस्थान सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके हमारे अध्यक्ष बड़े भाई इंद्रजीत उपाध्याय जी जो यहाँ पर यह वड़ा पाव वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय है। यह सनातन सेवा ही कर सकती है, सनातन सेवा संस्थान ही कर सकती है। इस कार्यक्रम के लिए मैं बड़े भाई इंद्रजीत उपाध्याय को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं यह कामना करूंगा कि गणेश जी की कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।